यात्री कार्ड ने एक हमें ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जो कम पूंजी में कम लागत में हम एक अच्छा बिजनेस स्टार्ट करके एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं और एक छोटा व्यापारी उसको उनकी फ्रेंचाइजी को लेके एक अच्छा अनुभव के साथ एक स्मार्ट दुकान तैयार करके उसको चला सकता है। स्मार्ट स्टोर में सब कुछ टेक अनेबल्ड है, लाइक आप बिलिंग से लेकर जो कस्टमर का एक्सपीरियंस है वहाँ तक के लिए आप पूरा टोटल सीसीटीवी कैमरा में कवरेज रहेगा, उससे आप आपकी स्टोर की हर छोटी बड़ी चीज़ों को समझ सकते हैं, देख सकते हैं, लाइव आपको सब कुछ दिख जाएगा। बिलिंग जो है, बिलिंग सॉफ्टवेयर काफ़ी अच्छा है जिससे आपको ऑटोमेटेड ऑर्डर जनरेट हो जाते हैं और ऑटोमेटेड आपको माल की डिलीवरी मिल जाती है। यात्री कार्ड की मैंने जब इंक्वायरी की थी तो मुझे उन्होंने जितना बताया उससे कहीं अधिक एक्सपेक्टेशन भी थी जो जिस पर वो खड़े उतरे और उसी को देखते हुए मैंने यात्री कार्ड को चुना है। यात्री कार्ड से जुड़कर मैं बहुत अपनापन महसूस कर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने जो प्लेटफॉर्म दिया है उससे मैं आगे आने वाले समय में मैं इन स्टोर को उन्हीं के साथ साथ बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और अभी जो उन्होंने एक्सपीरियंस दिया है वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा अभी जब मैं आज ओपनिंग में आया हूँ। यहाँ एक सुविधा अच्छी है कि यहाँ महिलाओं को पेट्रोल पंप के बाहर उतार दिया जाता है, तो ये यात्री कार्ड खोलने से यहाँ शॉपिंग भी हो सकती, थोड़ा बहुत सामान भी ले सकते हैं हम लोग, तो इससे ये बहुत अच्छा रहा। जब मैं एक दिन फेसबुक स्क्रॉल कर रहा था तभी मैंने यात्री कार्ड का एड देखा, वहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। देन मैंने उनको इंक्वायर किया, उन्होंने मुझे पूरी प्रोसेस बताई कि हम ऐसा ऐसा हमारा बिजनेस प्लान है, उस प्लान को देखते हुए फिर मैं नेक्स्ट डे इंदौर विजिट किया, उनका मॉडल को समझा, देन दो चार दिनों में हमने डील फाइनल करके और आज हम फ्रेंचाइजी हैं। यात्री कार्ड ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है हमें कि हम हमारे घर पर बैठ कर, क्योंकि ये पूरा टेक एनेबल्ड है तो हम हमारे घर पर बैठ कर इसकी पूरी रिपोर्ट निकाल सकते हैं और जो भी पूरा स्टोर में जो चल रहा है उसके बारे में सब कुछ कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या बिका है, क्या अपने पास स्टॉक में रखा हुआ है और क्या एक्सपायर होने वाला है। ये सारी चीज़ें टेक एनेबल्ड है तो आसानी से मैनेज किया जा सकता है। अलग अलग स्टोर पे जाके सामान परचेज नहीं करना पड़ता है जो एक साधारण दुकानदार करता है। ये सारी सुविधा एक ही प्लेटफॉर्म पर मिली जिसके कारण मैंने इसको चुना, क्योंकि मैं इसको घर बैठकर अगर मैं सिटी में अवेलेबल नहीं हूँ तो भी ये स्टोर चलेगा और 24/7 की भी इन्होंने सर्विस दी है, तो ये स्टोर मेरे ना होते हुए भी चलेगा। इसको घर पे से और कोई व्यक्ति भी मैनेज कर सकता है और मैं अपने बाकी काम आसानी से कर सकता हूँ। यात्री कार्ड की टीम बहुत सपोर्टिव टीम है, उन्होंने मुझे जहाँ जहाँ मुझे सर्विसेज की ज़रूरत लगी, जो मेरे क्वेश्चंस थे, जो मेरे डाउट्स थे, वो उन्होंने तत्काल क्लियर किए। जो भी उनसे मुझे सपोर्ट की आवश्यकता थी उस पर वो पूरी तरह से खड़े उतरे और उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया। यात्री कार्ड ने मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया है जिससे जो मेरा सपना था, मतलब जब मैं यहाँ पर पढ़ने आया था इंदौर में तो हम फ्रेंड्स लोग सभी बात करते थे आपस में कि इंदौर में सपनों का शहर माना जाता है इसे, तो यहाँ से हम एक कुछ बिजनेस स्टार्ट करते हैं। हमने सर्च किया, देन फिर हम हमारे जॉब में निकल गए, फिर हम हमारे सिटी में जाके हमने हमारा बिजनेस सेटअप कर लिया। देन मुझे जब पता लगा कि इस प्रकार की कोई दुकान स्टार्ट की जा सकती है तो तब मुझे लगा कि मैं अब अपने सपने को उड़ान दे सकता हूँ। तो उस समय मेरे मन में विचार आया और मैंने इस स्मार्ट दुकान को एक्वायर किया, देन उनके साथ टाई अप करके और आज हम इसके फ्रेंचाइजी बने। मैं बिल्कुल जो भी व्यक्ति इंदौर में कुछ एक अपना छोटा या बड़ा जो भी व्यवसाय खोलना चाहता है उन लोगों को बोलना चाहता हूँ कि आप यात्री कार्ड से जुड़ सकते हैं, बहुत ही भरोसेमंद स्मार्ट दुकान देते हैं ये, दूसरा भरोसेमंद हैं, सभी तरीके से सपोर्टिव हैं और आप उनके साथ जुड़कर आगे अपने व्यवसायिक जीवन को उसमें कुछ बहुत कुछ चीज़ें ऐड करते हुए आप अपने व्यवसायिक जीवन में मुनाफा कमा सकते हैं।